खबर मध्य प्रदेश के चिचोली से है। चिचोली जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने पर भाजपाइयों ने पटाखे फोड़े, बांटी मिठाइयां। नगर के जय स्तंभ चौक पर टीवी न्यूज पर कार्यक्रम के बाद जमा हुए युवा, मोदी सरकार की प्रशंसा। युवा बाले मालवी उमेश पेठे मनीष सोनी ने कहा, मोदी दो सोमवार में दो फैसले लिए, पहला 3 तलाक और दूसरा धारा 370 का। लगाए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे। चिचोली बैतूल से सुरेंद्र बामने की रिपोर्ट। आज ये चिचोली के जय स्तंभ चौक पर क्यों फटाके फोड़े जा रहे हैं, क्या बात हो गई है? देश के राज्यसभा और विधानसभा में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का संकल्प पेश किया, उसकी खुशी में हम सारे नगरवासी यहाँ एकत्रित हुए और पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ बाँटी और खुशियाँ मना रहे हैं कि देश के इतिहास के लिए यह ऐतिहासिक दिन है। मोदी जी ने अपने 56 इंच का सीने का जो सबूत पूरे देशवासियों को दिखाया है, इसके लिए हम लोग सारे गांव, पूरा देश इन लोगों को आज प्रशंसा से बधाई देता है मोदी जी को। और मोदी जी से ने हमारे लिए एक मौका खोला है, जो हम भी चिचोली वासी मिलकर वहां पर एक प्लाट और हमारी ज़मीन खरीदेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी पे जो लोगों ने विश्वास जताया है, आज भारतीय जनता पार्टी ने उस विश्वास पर पूर्णतः खरे उतर करके और जनता का कर्ज चुकाया है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले सोमवार के दिन 3 तलाक पर और इस सोमवार के दिन ये जो धारा 370 को हटाया है, और हो सकता है कि अगला सोमवार जो है वो तांडव की दृष्टि से और कुछ नया कर दे। इसलिए मोदी जी को है, मोदी है तो मुमकिन है। जय जय श्री राम।